जी लो भाई, जी लो भाई, जी लो भाई, चलो मिलता हूँ, ठीक है, चलो भैया मिलता हूँ, ठीक है आपसे, बाय बाय। वीडियो भाई कल, हाँ। एंड बड़ा ही अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स अपने मिलते हैं, और बच्चा पूछ रहा है वीडियो कब आएगी, छोटा सा पेपर लाए थे ऑटोग्राफ के लिए, तो यही सब कमाया है लाइफ में यार, प्यार कमाया है, पैसा तो आता जाता रहता है, प्यार होना ज़रूरी है लाइफ में, सबसे अच्छे से मिलो, सबको टाइम दो। मैं तो अपनी बाइक पे कह देता हूँ बैठ जाओ भाई, मैं फ़ोटो खींच दे रहा, सबका सपना होता है यार, मेरा भी था एक टाइम पे, मुझे कोई ऐसे ट्रीट कर देता तो मैं कितना खुश होता, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं किसी और को करूँगा तो मे भी आगे जब वो उस लायक हो तो वो और लोगों को उस लेवल से, उस प्यार से ट्रीट कर पाए तो अच्छा लगता है। दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड वर्क्स, वरना तो नफरत बहुत है इस दुनिया में, प्यार बहुत कम है। चलते हैं अभी, राइड दी डुकाती स्ट्रीट फाइटर V4, और ये पहली बार होने वाला है। बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। ये व्लॉग बहुत ही फन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। भैया चला रहे हैं S1000RR, एक भैया चला रहे हैं अपने ZX10R, नीतीश भैया चला रहे हैं 600RR, मैं चलाने जा रहा हूँ स्ट्रीट फाइटर V4। चलो इंजॉय करते हैं, थोड़ा चला के देखते हैं, राइड वाइड करने वाले हैं प्रॉपर आज हम लोग, और एकदम पूरे गियर्स में। चलो भैया, इट्स टाइम टू रोल, फर्स्ट गियर रेस मोड में लगी है, भगाते हैं भाई, लेट्स सी कैसा भागती है ये। और ये भाई, ये क्या है भाई, अलग एक्सपीरियंस है भाई, और डुकाती ने क्या तो रिफाइनमेंट कर दिया है इंजन का, इवन इनलाइन 4 मशीन जितना रिफाइंड लग रही है V4 इंजन होने के बाद। एक बार और खींच के देखते हैं पहले गियर में, फर्स्ट गियर, अरे भाई भाई, दिस थिंग इज क्रेजी मैन, बहुत ही खतरनाक है भाई भाई, और बिल्कुल हीट नहीं फेंक रही भाई, अपनी S1000 इतना हीट कर रही है, ये बिल्कुल हीट नहीं कर रही है। द बेस्ट थिंग अबाउट डुकाती इज कि ये हीट बहुत कम करने लगी है अब पहले से, अब नेकेड की वजह से भी हो सकता है। चलो थोड़ा भगा के भी देख लेते हैं एक बार, एब्सोल्यूट मेनियाक मैन, क्या चीज है ये भाई, किसी भी बाइक को ये खा सकती है, ऐसी पावर दे रही है, मतलब नेकेड में तो पक्का सबको खाने वाली है ये। एक बार किनारे रोक के आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, आवाज भी सुना देता हूँ, बिकॉज व्लॉग कर रहा हूँ तो व्लॉग प्रॉपर होना चाहिए। सो दिस इज आर रेड हॉट इटालियन चेक, क्या लग रही है, स्ट्रीट फाइटर का लोगो मिल जाएगा, इटालियन ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। बैग में थोड़ा सा मुझे सही से रखना पड़ेगा सामान, इधर उधर मूव हो रहा है, इतनी पावर है इस बाइक में, तो एक बार आवाज़ सुनाता हूँ सबसे पहले भाई, दहाड़ रही है भाई, ये दहाड़ रही है, पूरा हिला दे रही है, जमीन हिल जा रही है, इतनी खतरनाक भाग रही है ये। तो चलो राइड करके देखते हैं, लेट्स सी 0 to 100 कितनी देर में आता है। लॉन्चिंग इन 3, 2, 1, भाई इसको लॉन्च करने में डर लग रहा है भाई, खतरनाक चीज़ है ना ये बहुत, थोड़ा आराम से लॉन्च करेंगे, बहुत हार्डकोर नहीं जा रहे हैं। चलो भाई भाई क्या है ये, एब्सोल्यूट रॉकेट मैन, एब्सोल्यूट रॉकेट, और इसके जो डायनेमिक्स है वो यहाँ से चेंज हो सकते हैं, DQS, DTC, विच स्टैंड्स फॉर डुकाती ट्रैक्शन कंट्रोल, DWC, डुकाती व्हीली कंट्रोल, DSC, डुकाती स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBC, इंजन ब्रेक कंट्रोल, ABS तो आपको पता ही है, DQS स्टैंड्स फॉर डुकाती क्विक शिफ्टर, और फिर ट्रैक्शन पे आ गए। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेल लेते हैं, हल्का सा खेलना तो बनता है, क्योंकि आप जानते हो आपका जो भाई है वो बहुत रॉ है, और ये चीज़ भी बहुत रॉ है, तो बनता है भाई ये तो। भाई 8 लेवल दे रखे हैं व्हीली कंट्रोल के, दैट्स क्रेजी मैन, 8 लेवल भाई। तो इसको 1 पे कर देते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को भी स्विच कर लेते हैं, भाई कितना इजी कर दिया डुकाती ने चीज़ों को सही करना, चेंज करना, बहुत ही सही। तो सब कुछ मैंने 1 पे कर लिया, देखो कंप्लीटली ऑफ मुझे नहीं पता कैसे होता है, तो मैंने 1 पे कर लिया, विच इज़ द लीस्ट सेटिंग,
ट्रैक्शन लीज किक इन करेगा और व्हीली कंट्रोल भी लीज किक इन करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा भाई। वाह भाई, बहुत पावर है, बहुत ही ज़्यादा पावर है, मतलब 209 bhp आई थिंक। तो स्ट्रीट फाइटर V4 वेरिएंट है, V4S आता है, तो 205-210 के बीच में कहीं ना कहीं इसकी पावर होने वाली है। क्या इंजन है, और बिल्कुल हीट नहीं आ रही पैरों पे, बिल्कुल भी। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही लग रही है कि इतना कैसे हो सकता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात तो मैंने कर ही ली है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर मिल जाएगा, मिड में है तब भी बिल्कुल हीट नहीं है। यहाँ पे RPM, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इधर आपकी और भी जो सेटिंग्स हैं, लैप टाइमर एंड ऑल, सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। फिर टोटल किलोमीटर्स आर 1283, और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर टाइम मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो इस मेन्यू में। एंड यहाँ पे आपका पास का बटन, हजार्ड का स्विच, और इंजन किल बड़ा इंटरेस्टिंग है जैसे एरोप्लेन एंड ऑल में होता है। फिर इसमें हीटेड ग्रिप्स भी अवेलेबल है, विच इज़ ग्रेट फॉर टूरिंग। तो इस बाइक से आप टूर भी कर सकते हो। अब मुझे आइडिया नहीं कि डुकाती कितनी डेलिकेट होती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टूर, बट हीटेड ग्रिप्स हैं तो टूरिंग पॉसिबल लग रही है मुझे, स्पेशली नेकेड बाइक पे। और ये तो बिल्कुल गर्म भी नहीं हो रही भाई, क्विक शिफ्टर ऐसा मक्खन चल रहा है ना, ये देखो डाउन शिफ्ट देखो क्या ब्लिप कर रही है भाई। भाई ऐसा क्विक शिफ्टर तो 1000 का भी नहीं है नई वाली, डुकाती जो करती है ना ख़त्म करती है। देखो भाई, भाई हिला डाला भाई पूरा, क्या चीज़ है भाई, प्यार हो गया इस बाइक से, प्यार हो गया। अगर नेकेड बाइक लाइफ में कोई लेंगे इतनी महंगी, तो वो यही बाइक लेंगे, स्ट्रीट फाइटर। भाई क्या ही चल रही है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस लेवल का रिफाइनमेंट मिल रहा है इस बाइक में, क्या कंफर्ट है, क्या रिफाइनमेंट है। बट नेकेड बाइक्स में, जैसे ये बाइक ऑफकोर्स केपेबल है 300 करने के, आराम से चली जाएगी, बट आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि 250 करने में ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पीछे से खींच रहे हैं, दो लोग मिलके खींच रहे हैं, इतना हार्ड मुझे पकड़ना पड़ता है। तो खैर, जिनको नेकेड पसंद है उनके लिए तो ये जेम है। आपको पता है नेकेड बाइक टॉप स्पीड रन के लिए नहीं होती है, तो जैसे Z900 है उसमें भी 250 जाती है, बट 250 पे हार्डली आप 10 सेकंड टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो वही हाल इसका भी है, 300 ये भी जाती है, बट 250 पे इतना विंड ब्लास्ट होता है, इतना विंड ब्लास्ट होता है कि आप थोड़ी मतलब 5-10 सेकंड रुक जाओ, बहुत बड़ी बात है। खैर मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप नेकेड बाइक इस स्पीड पर भगाओ, ना ही फेयर्ड बाइक भगाओ। थोड़ा बहुत खींच लिया ठीक है, मज़े कर लिए ठीक है, मैं देखो व्लॉग कर रहा हूँ बीच बीच में एक दो बार खींच लिया, बढ़िया। दैट डजंट मीन कि मैं स्पीड रन ही करता रहूँ पूरे टाइम, हौंकता रहूँ बाइक को। और मुझे तो मज़ा आ गया यार ये चला के, सच में दिल खुश हो गया। डाउन शिफ्ट दिखाता हूँ, 5-4-3-2। भाई अल्टीमेट है भाई, और ब्रेकिंग भाई, ब्रेकिंग, ब्रेक टैप करते ही बाइक चिपक जा रही है रोड से, मतलब ये देखो इतना कॉन्फिडेंस, ये देखो क्या ब्रेक्स हैं भाई। पिछली, हाँ पिछली ब्रेक भी अच्छी है, बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। तो अगर आपको इससे ट्रैक व्रैक करना है, वैसे तो अल्टीमेट वेपन ट्रैक करने के लिए अपनी V4S है, R तो शायद बंद हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, तो V4S इज़ नाउ द अल्टीमेट ट्रैक वेपन। बाहर तो सुपर लेजेरा भी लॉन्च हो गई V4 में भाई, क्या ही होगी वो, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ क्या लेवल होगा। और काफ़ी लोग को लगता है कि S2 एक बेंचमार्क है, S2 से ऊपर कुछ नहीं है, बट सही बताऊँ कभी भी कोई भी ट्रैक वाला बंदा S2 ओन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है एक डुकाती क्या कर सकती है जो V4 होती हैं, या एक नई वाली S1000 या जो भी S1000 है वो क्या कर सकती है ट्रैक पे। ये बाइक बहुत ज़्यादा निम्बल होती हैं, चाहे आप V4S ले लो, V4 ले लो, कोई भी ले लो, तो इनका जो भाई अलग ही होता है। H2 को आप ऐसे नहीं टर्न कर सकते हो जैसे इनको कर सकते हो, पूरा नी ड्रैग करते हुए आराम से टर्न करो, क्या बात है। तो अभी बस इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। हाँ आप चला लीजिए, आ जाइए। नहीं नहीं सही, बिल्कुल हीट नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं, हल्की सी भी हीट नहीं लग रही है। नेकेड में इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ,
फेंक रही है पीछे, इतनी पावर, इतनी पावर दे रही है, बहुत ही जबरदस्त। कोई स्पोर्ट्स बाइक में पसंद आती है ना आपकी वाली आती है। इतनी अच्छी पावर है, हाँ मस्त है, आराम से चलती है। इंसान के बाद ये सब बहुत बढ़िया, बदल दे क्या इसे? बदल लीजिए, मुझे बहुत पसंद आई है। नहीं सच में नेकेड में इससे अच्छा क्या ही होगा, बिल्कुल हीट नहीं हो रही है, इतना इजी टू राइड, मजा ही आ गया, पावर इतनी ज्यादा। हाँ बहुत इजी है, हैंडलिंग कितनी इजी है, आराम से कहीं भी डाइव कर दो, इधर कर दो उधर कर दो। अब कब आएंगे भैया आप? आऊंगा भाई संडे को आऊंगा अगले। अब आ जाओ, हाँ भाई अभी तो ऑन है, हाय कर दो। हाँ आ गया आ गया आ गया। हाँ भाई आ जाओ। हाँ भाई हाँ हाँ डन आ गई, चलो भाई। हाँ भाई चलिए भैया, चलो भाई मोस्ट वेलकम, बाय बाय। हाँ हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, बाय बाय।